बस 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 अभी क्या देख रही इनको यार, ये तो दो दो आ गए। जय श्री राम गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। आज अपने भाई बहुत टाइम बाद, कम से कम आज 8 या 9 दिन हो रहे हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आ रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं पिथौरागढ़। तो आज अपनी लियो पिकनिक लेके जा रहे हैं, गाड़ी चेंज है। आज हम लेके जा रहे हैं 250 ड्विक बाइक की। तो बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं बना था ना यार, फिर ऐसे बीच में मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है यार, जब छूट जाता है बीच में ब्लॉग तो अच्छा नहीं लगता। तो आज मिला मौका तो हम जा रहे हैं पिथौरागढ़, दिखाते हैं क्या रहता है सीन आज का। ठीक है, लेट्स गो। तो ये रही अपनी 250 ड्विक, और भाई ने इस पर नाम लिखा रखा है जानू, और ये इस भाई की है हेलो। तो चलते हैं यहाँ से सीधे, दिखाता है पिथौरागढ़। ठीक है, क्या रहता है सीन। गाइस ये रोड पता नहीं कब ठीक होगी यार, आराम से निकाल आराम से। सो गाइस सामने पे पुलिस, तो हम चलाते हैं। हल्ले पिल्ली चालान काट देंगे तो इतनी का तो तेली दे क्या गा उस कागज ना। हाँ चल ठीक, चले गाड़ी गर्म हो गई। ये छपरी राइडर साला दोनों हाथ जोड़ के चला रहा है यार, भाई दोनों हाथ जोड़ के चला रहा है कह रहा हूँ। तो गाइस थोड़ा सा फोटो शूट करते हैं यार, लोकेशन देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है भाई, मत पूछो इतनी प्यारी ना। तो गाइस हम जा रहे हैं चारों तरफ से देख सकते हैं। ये भाई धर्म अपना तो भाई फोटो ले रहा है, अपनी फोटो ले रहा होटल देते हुए भाई। तो गाइस हो चुका है भाई फोटो शूट, और दो चार रील्स भी बना ली आज लगे हाथों। तब चलते हैं सीधे यहाँ से पिथौरागढ़ की ओर। व्यू क्या तगड़ा लग रहा था भाई यहाँ पर सच में। हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। भाई काफ़ी प्यारी लोकेशन राइड, और हमेशा यहाँ पे रुकते ही हम यहाँ पे और गुरुनाथ पे। अगर आप अपनी राइड स्टार्ट कर रहे हो हल्द्वानी देहरादून के लिए और इस वजह से आते तो हमेशा रुकते हैं भाई इस वाली वजह से। और देख सकते हो मौसम आज काफ़ी प्यारा हो रहा है, सुबह एकदम ठंडा ठंडा हो रहा था, और इससे नीचे तो बहुत खतरनाक वाली खाई है, और काफ़ी अच्छा गाँव जो यहाँ में बसा हुआ है। गाइस पहुंच चुके हैं भाई जजर देओल। तो भाई पहुंच चुके हैं भाई अपने शोरूम के अंदर, चलते हैं यहाँ पर नीचे वाला ऊपर वाला है यहाँ पर।
कहाँ पर किसको बोल रहा है? हाँ, ये मामा की गाड़ी यहाँ पे क्या कर रही है? वैसे मेरे मामू की गाड़ी है, कॉल करके पूछ लेता हूँ लेके आने के घर को। मर्जी तेरे को भाई, लग रही है भूख और चलता है खाना खाने। आज पूरा दिन भर इसी का काम करा रहा है भाई, अभी रैप वूप कराना है इसको थोड़ा सा। बैठ, मतलब अभी हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे, पहले पेट पूजा हो जाए भाई। बड़ा तगड़ा वाला बिल फाड़ा है इन्होंने, पूरे 7,500 का भाई पेमेंट कर रहा है। मैं जब इसने देखा ना बिल 7,500 भाई, इसकी धड़कन एकदम तेज हो गई, होनी थी भाई। एम एच हाँ, वहाँ से दिल्ली जाए। बोल, कितना प्यारा कुत्ता है। अरे अरे बस बस बस, अबे क्या दें फिर इनको यार, ये तो दो दो आ गए। अरे इनको क्या दें, कह रहा हूँ ये तो दो दो आ गए। तो गाइस ले लिया भाई रूम, और नहा धो के अब फ्रेश होता है और फिर चलते हैं घूमने के लिए। दोस्त लोग आ ही रहे हैं, ये तो थक गया। यहाँ से व्यू दिखा देगा, तगड़ा वाला लग रहा है ये भाई साहब, क्या मस्त लग रहा है यार। चलो ऐसे चेक करा दे भाई साहब। खैर जो भी है, मिलता है आगे, ठीक है। कह रहे थे सीन अरे ये तो बंद है यार। गुड नाइट मिलते हैं कल। कल सुबह मॉर्निंग में भाई बहुत सारी रील बना रही है, बहुत सारी अपलोड करनी बाकी है, बहुत सारी रील है। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट। सो गाइस दूसरे दिन के 8 बज रहे हैं, 7, और हम चल रहे हैं घर की ओर, ठीक है। चेकआउट कराते हैं, फिर मिलते हैं आपको सिलथाम। ये रही अपनी गाड़ी। तो गाइस मिल चुके हैं भाई अपने कृष्ण जी, और एक कपड़ों के साथ कपड़ा अलग मिलेगा। हाँ हाँ, कपड़ों के साथ पूरा सेट ही लेना है इनका ना। यहाँ पर मिल जाएगी चाय, पूछ लेगा। Bye.